हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि कक्षा 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम ना 20 अंक से ऊपर कर दिया है बहुविकल्पी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ही हम बता यहाँ पर लिखे हैं ना, ये सब एक दो बार नहीं, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए बस बोल रहे हैं आपको ना कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। 2 से 5 मिनट की वीडियो होगा, अगर आप देख लिए ना तो ये जो है ना 5 से 10 अंक आपका पक्का हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये प्रश्न को हम बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर पहला प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिवेणी के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद्र। देखिए जो त्रिवेणी है ना, आपके हिंदी का जो पहला चैप्टर है, जो जिसके लेखक है, मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वही हैं त्रिवेणी के लेखक। याद रखिएगा, त्रिवेणी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है ना कि कंकाल के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कंकाल के लेखक कौन है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी, इसको पूरा नहीं लिखे हैं, यशपाल जी, जयशंकर प्रसाद जी या राहुल संकीर्त्यायन। देखिए जो कंकाल के लेखक कौन है, मोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम लिख नहीं सकते यार, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ना, इसलिए नहीं लिख सकते यार, यहाँ पर जगह नहीं है। ये है जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यार कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न कह रहा है ना, कुछ बिखरे पन्ने के रचनाकार, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको लिखे हैं क्या, मतलब पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, इसको पूरा नहीं लिखे हैं यहाँ पर, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं या प्रेमचंद्र जी। देखिए कुछ बिखरे पन्ने, ये इसके रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके रचनाकार है पद्मलाल पूनालाल बख्शी, याद रखिएगा। इसके लेखक कौन है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी। देखिए साथ में ना भैया आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, साथ में नोट्स बनाते रहिए, अभी से बनाना स्टार्ट करेंगे ना, आने वाले समय में आपको इतना एमसीक्यू करा देंगे ना कि आपको वो जो 90% वाला वीडियो आपको देखने की नहीं जरूरत पड़ेगा ना। नहीं होता है कि 95% कैसे लाएँ, 90% कैसे लाएँ, वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम आपको सीरीज चला रहे हैं, ये 10-10 प्रश्न का सीरीज चलाएंगे, डेली स्टार्ट होगा। आप समझ लीजिए कितना दिन आपके पास है, 10 प्रश्न एक दिन में कराएंगे तो लगभग आपका एक टॉपिक से ना, मतलब एक बुक से आपको 2000 से 3000 प्रश्न हो जाएगा। इसलिए बस बोल रहे हैं आपको कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में होता है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए कह रहे पांचों, ये तो हो नहीं हुए। 14 प्रश्न है, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहे हैं यार मोस्ट बोल रहे हैं यार, प्रीवियस ईयर पूछा प्रश्न है, इसको मोस्ट बोला जाता है, और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जा सकता है उसको इंपॉर्टेंट बोला जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, गुलाब राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यशपाल जी या गे जी। देखिए यहाँ पर मेरी आत्मकथा जो है ना वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, याद रखिएगा। इसमें आप बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि मेरी आत्मकथा किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और मेरी एक असफलता है वो किसका है, वो बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा, उसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं मेरी असफलता किसका है। आपसे एक लास्ट प्रश्न पूछेंगे, टेंशन मत लीजिए। 5वें प्रश्न का उत्तर है, रश्मि रथी के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहे हैं यार भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि श्रीनिवास दास जी हैं या जयप्रकाश भारती जी या जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी याद रखिएगा, रश्मि रथी, ये आप जाएंगे 12th में ना तो आपको वहाँ पर मिलेगा। रश्मि रथी के लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। हरी सिंह दिनकर रश्मि रथी के लेखक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टिक मार लीजिए, हम यहाँ पर टिक मार दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये प्रश्न इतना पूछा हुआ है ना, इसको आप देखिए पहले, खून के छींटे का रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दिया है जयनंदन कुमार, दूसरा ऑप्शन दिया है इलाचंद्र जोशी, तीसरा ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन जयप्रकाश भारती, और लास्ट ऑप्शन दिया है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, ये क्यों यहाँ पर यार ये लगातार प्रश्न पूछा हुआ है, देख रहा है ना, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ये हम यहाँ पर लिख नहीं सकते यार। जयनंदन, इसका जो राइट आंसर होगा, खून के छींटे के रचनाकार है ना वो है हमारे भगवत शरण उपाध्याय। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है, हिमालय की पुकार, आप बहुत से बच्चे होते सब महादेवी वर्मा जी को मार देते हैं सब, तो हिमालय की पुकार के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए हरे कृष्ण प्रेमी, जयप्रकाश भारती, चतुरसेन शास्त्री या गुलाब राय। देखिए यहाँ पर हिमालय की पुकार के लेखक जो है ना वो हमारे हैं जयप्रकाश भारती। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर महादेवी वर्मा होता ना तो बहुत बच्चे सम्मान देते हिमालय की पुकार के लेखक महादेवी वर्मा। यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न है,
देखिए कोई भी दिक्कत हमसे हो रही है नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। और आपसे कोई दिक्कत होती है आप भी कमेंट बॉक्स है वहाँ बता सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई पढ़ाता है कोई गलती होता है, मतलब होता भी किसी कोई से भी गलती हो सकता है, इसलिए बता रहा है। आठवां प्रश्न है कि सुर सागर के रचनाकार कौन है, सूरदास जी हैं, तुलसीदास या रसखानिया महादेवी वर्मा। देखिए ये तो यहाँ पर सूरदास ही सूर सागर से सूरदास याद कर लीजिएगा, मैचिंग कर रहा है तो सूर सागर से इसका भी यार हम लिख नहीं सकते हैं यार, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, इसको सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमेशा लगातार हर एक सेट में लड़ता है। दोहावली के लेखक कौन है, रसखान जी या मैथिली शरण गुप्त या तुलसीदास या सूरदास जी, दोहावली के लेखक ये हैं तुलसीदास जी। और लास्ट प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है, आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना, इसलिए दसवां प्रश्न नहीं लिखे हैं यहाँ पर, इसलिए मुहजवानी पूछ रहे ओरल ये प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट लेकर जरूर मोबाइल में डिलीट कर देंगे, आप इसको लिख लीजिएगा, अभी से लिखना स्टार्ट करिए अभी से। आपसे हम वादा करते हैं कि 2 से 3 हज़ार प्रश्न करा देंगे बस हिंदी का, और ये करा देंगे तो आपका ना आपको भी जिंदगी में फेल नहीं होंगे क्योंकि 22 नंबर से 23 नंबर पासिंग होता है आपसे, बॉबी कल भी 20-25 पूछेगा हमको पता है क्योंकि बढ़ा दिया है ना इसे 20, अब 2024 पूछा मतलब 2023 में 20 बॉबी कल पूछा जाता था, अब आगे उसको बढ़ा देगा, मतलब यूपी बोर्ड बता रहा था, अब हमको पूरा डिटेल नहीं मालूम है, आएगा डिटेल हम आपको बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।